और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आपने फ्लक्स पढ़ा ही होगा, किसी भी पानी, अगर कोई पाइप में से पानी बाहर आ रहा है तो उसकी को मतलब फ्लो होता है, ठीक है? तो उसको उसका मतलब क्या होता है? फ्लो होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे काम करता है? किसी भी सतह पे, ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पे ये कार्य करता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को उस तल से संबंधित चुंबक के फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे फाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है? ये सरफेस पे कार्य करता है, ठीक है? और सरफेस पे इसमें यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं। एक सरफेस पे कार्य कर रहा है ये, ठीक है? और एक अगर थीटा अगर किसी भी एंगल पे कार्य करना हो इसे, तो यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है? एंगल पे कार्य करना है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे बी साइन थीटा हो जाएगा, तो फाइव इज टू बी ए कोस थीटा हो जाता है, ठीक है? अब ए क्षेत्रफल वाला कोई प्रश्न बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय बल में बल रेखाओं के लंबवत रखा है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाइव इज टू बी ए हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस प्लेन फेस पे कार्य कर रहा है, तो इस गल टू क्या हो जाएगा? फाइव इज टू बी ए हो जाएगा। अब यदि चुंबकीय, यदि तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत न होकर किसी अन्य झुकाव पर हो, तो तल से वृत्त चुंबकीय फ्लक्स फाइव इज टू फाई तल के लंबवत चुंबक के क्षेत्र के घटक बी कॉस थीटा तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है। यदि तल पर खींची गई अभिलंब चुंबक के क्षेत्र के मध्य थीटा हो, तो अभिलंब मतलब ये वाली लाइन और इस पे खींची गई चुंबक के क्षेत्र, ठीक है, के मध्य थीटा हो, तो तल से वृद्ध चुंबकीय फाई इज टू क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा, फाइव इज टू हो जाएगा बी ए कोस थीटा, ठीक है? ये कह रहा है किसी सतह से, सतह कौन सी है? ये वाली पीछे वाली सतह है, और इसके अभिलंब, अभिलंब मतलब ये वाली लाइन एंड चुंबक के क्षेत्र, ठीक है, के मध्य थीटा कोण बनता है, ठीक है? आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अतः फ्लक्स फाई वेक्टर बी व ए का डेढ़ गुणनफल होता है, तो फाइव इज टू बी ए होगा, सही है? अब इसका मात्रक होता है MKS पद्धति में फाइव इज टू बी का मात्रक इंटू ए का मात्रक। इस गल टू बी का मात्रक क्या होगा? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इस गल टू ए का मात्रक कितना होगा? मीटर स्क्वायर। तो इस गल टू न्यूटन मीटर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो एम्पियर, ठीक है? तो न्यूटन मीटर एम्पियर माइनस वन। अब इसका वीम में सूत्र होगा फाइव इज टू बी ए, फाइव का विनय सूत्र बी का विनय सूत्र इंटू ए का विनय सूत्र, ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा? M1, L2, T2, T-2, A-1, ठीक है? इसको समझने के लिए आपको फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें विमाएं दी हुई हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा, तो वहां से आपको ये चीज मिल जाती है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है गाइस? तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है, आपको कैसा लगा? प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, एंड शेयर माय वीडियोस अदर पीपल। सो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।